का ग्राफ बनाना है, ओके शॉर्टकट में भी बना सकते हो, पहला से इक्वल करके ग्राफ बनाओगे, ये -3x प्लस 2y इक्वल टू माइनस, इसका टेबल बना के जैसे क्लास 10 में कर रहे थे। सर आप भी लिमिट्स नहीं पढ़ाएंगे अंकित, सर आप अभी लिमिट्स नहीं, वो लिमिट सिर्फ 11 बजे क्लास रहेगा, ठीक है 11 बजे सिर्फ लिमिट्स रहेगा और सुबह 6 और ये बिगनिंग से रहेगा सभी, ओके ठीक है। हाउ ये देखिए -3x प्लस 2y ग्रेटर देन ऐसे दिया, बाद में जो मैसेज है बाद में, टाइम वेस्ट हो रहा है, लिमिट्स ओनली वन क्लास, हाँ वन क्लास सफिशियंट है। देखिए -3x प्लस 2y इक्वल टू -6 का ग्राफ बनाना है, तो जैसे क्लास 10 में टेबल बना के बना सकते, नहीं तो शॉर्टकट मेथड बोला था, शॉर्टकट मेथड था x बाई ए वाई बाई बी इक्वल टू वन होता है, ठीक है तो यहाँ पर भी इसमें वन बनाना है, तो -6 डिवाइड कीजिए, यहाँ वन बनाना है, -6 डिवाइड कीजिए, यानी x बाय 2 हो जाएगा, काट दीजिए y बाय -3 हो जाएगा इक्वल टू 1, ओके ये शॉर्टकट मेथड है, और ये प्लस रहना है, ये प्लस रहना है, ऊपर वाला हमेशा प्लस रहना है, और यहाँ 1 बनना है, ऊपर में हमेशा प्लस रहना है। ध्यान देखिए इसका ग्राफ, ये x है और ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, क्या x का -3 x का 2 ये 1 2, x का 2 y का -3 ये 0 1 -1, ये -2 -3, ओके x का 2 y का -3, ये जो ग्राफ है आपका जो बना है, ओके ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ का नाम क्या है, -3x प्लस 2y इक्वल टू -6, -3x अगेन -2 प्लस 2y इक्वल टू -6, -3x प्लस 2y इक्वल टू -6, ठीक है। अच्छा ये दो पार्ट करता है, ये दो पार्ट करता है, ओके अच्छा ये दो पार्ट करता है, अच्छा इस पार्ट में पॉइंट लेके इसमें डालिए, जिधर ट्रू होता है उधर सेट होगा, ठीक है इधर एक काम करे 0 0 डालिए, जल्दी कैलकुलेशन बनेगा, 0 0 डालिए, ये 0 डालिए 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, क्या 0 -6 से बड़ा है, हाँ सही है 0 -6 से बड़ा है, और भी कुछ लेके देख सकते हैं, x का हाँ x का -1 x का इधर का कोई भी पॉइंट लेके देखिए, x का -1 y का सपोज ये -1 -2 लेके देखिए, इधर का कोई भी पॉइंट लेके उसमें डालिए, इधर के लिए 0 0 ट्रू हुआ, और भी एक लेके देखिए, x का -1 y का -2 लीजिए, और भी पॉइंट लेके देखिए, ओके इधर का कुछ भी पॉइंट लेके देखिए, डालिए x का -1 डालिए, x का -1 डालिए, y का -2 डालिए, अंदर -6 ट्रू हो रहा है ना फॉल्स हो रहा है, देखिए 4 ये -3 ये प्लस थ्री -4 -1 बड़ा है किसे, हमारा नेगेटिव में जो छोटा है वही बड़ा होता है, ओके नेगेटिव ओके तो ये ट्रू हो रहा है, तो इधर का हर पॉइंट ले रहे तो ट्रू हो रहा है, इधर का हर पॉइंट ले रहे तो ट्रू हो रहा है, तो इधर सेट होगा, ये इधर सेट होगा, जिधर ट्रू है उधर सेट होगा, और एक बात इक्वल है तो लाइन गढ़ा रहेगा, पूरा गार्ड रहेगा, इक्वल है पूरा गार्ड रहेगा, अगर इक्वल नहीं है, अगर ओनली ग्रेटर देन होता है डॉटेड लाइन रहता है, इक्वल मीन्स का इंक्लूडिंग दिस लाइन, इंक्लूडिंग दिस लाइन सभी पॉइंट
ये लाइन का ऊपर पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करेगा, ये लाइन का ऊपर पॉइंट भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, लाइन का ऊपर पॉइंट भी लोगे तो सेटिस्फाई करेगा। तो इंक्लूडिंग दिस लाइन जो भी पॉइंट लोगे, इंक्लूडिंग दिस लाइन जो भी पॉइंट लोगे उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, इधर का हर पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इंक्लूडिंग लाइन के ऊपर भी वो भी पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अभी पढ़ करते हैं, मतलब 6 मार्क का जो एग्जाम आता है। देखिए क्वेश्चन क्या, देखिए अच्छा, ये आप देखिए पहला ग्राफ बनाइए, पहला ये देखिए इसका ये 3x + 2y इक्वल टू करके टेबल बना के भी ग्राफ बना सकते हैं। यहाँ पर 12 डिवाइड कीजिए, 12 डिवाइड कीजिए, ये शॉर्टकट मेथड में हम कर रहे हैं x/a + y/b इक्वल टू 1। ऊपर पॉजिटिव रखिए, x पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव रख सकते हैं, a भी नेगेटिव, ये नेगेटिव रख सकते हैं, ये उसका फॉर्मूला है। ओके, तो ये बनता क्या है, 3/x/4, ये बन रहा है x/4 + y/6 इक्वल टू 1। ओके, देखिए इसका ड्रॉ करते हैं ग्राफ। ओके, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके, अच्छा, ये x का 4, y का 6, ये ओरिजिन होता है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 x का 6, सर x का 4 है, x का 4 है, ये 1, 2, 3, 4, ये x का 4 है, y का 6, ये 1, 2, 3, 4 हो गए। अब x का y का 6, y का 6, ये तुम्हारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 y का 6, सॉरी। तो इसका अपन ग्राफ बनाते हैं, इसका इक्वेशन लिख दीजिए। इसका ऊपर जो इक्वेशन था क्या था, 3x + 2y क्या है, लेस देन इक्वल 12। एक बात बोलता हूं बच्चों कि लेस देन हमेशा इस तरफ होता है, ग्रेटर देन मैक्सिमम टाइम जो है 90% लेस देन इस तरफ है, अगेन ग्रेटर देन राइट साइड होता है। तो फिर भी एक काम कीजिए, यहाँ पॉइंट लेके इसमें डाल दीजिए, ये 3x + 12 है, ये 3x + 12 है, 3x + 12 है। तो यहाँ पर क्या पॉइंट लेके उसमें डालिए, 0 0 डालिए, जल्दी कैलकुलेशन होगा, 0 0 डालिए। ओके, वो 0 < 12 होता है, ये ट्रू है। तो यहाँ पर एक लिए 2 है, 0 0 लेके देखे 2 है, कुछ भी लेके देखिए, x का -1, y का x का -1, y का -1 भी लेके, x का -1, y का +1 लेके देखिए, x का -1 होने से ये -3, y का +1 होने से +2, ये -1 < 12। तो इधर का कोई भी पॉइंट लेके देखिए, इधर का कोई भी पॉइंट लेके देखिए इस इक्वेशन को, इधर का कोई भी पॉइंट लेके देखिए, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई हो रहा है। और भी एक बात ध्यान रखिए, लेस देन मीन से नीचे शेड होगा, ओके, ग्रेटर देन मीन से ऊपर शेड होगा। तो फिलहाल ये ऐसा रख दीजिए, इसका इधर शेड होगा, एरो मार्क देख के रखिए,
अभी पूरा ये मत कीजिए, एरो मार देख रहे, ये इस तरफ सेट होगा क्योंकि इसका हर पॉइंट क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट इक्वेशन है x इक्वल टू 1, पहला ये x ग्रेटर देन 1 है तो x इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाइए। x इक्वल टू 1 में बोला था ये x इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और ये हमारा जो y का इक्वेशन है जो है वो x इक्वल टू 0 होता है। ओके, फिलहाल x इक्वल टू 1 है, ये 1 है तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 तो ये वाला ग्राफ, x इक्वल टू 1 का ग्राफ। ये जो ग्राफ है आपका x इक्वल टू 1, ये ग्रेटर देन हो तो राइट साइड साइड होगा, लेस देन हो तो लेफ्ट साइड साइड होगा। ये ग्रेटर देन है तो राइट साइड साइड होगा, इसका एरो मार्क देख रखिए, बाद में उसको सेट करेंगे। ये ग्रेटर देन 1 बोल रहा है तो राइट साइड साइड होगा। ये x इक्वल टू 1 का ग्राफ है, 1 में जाएगा, ये 1 में जाएगा, ठीक है, x इक्वल टू 1 का ग्राफ है, 1 में जाएगा। नेक्स्ट ग्राफ क्या है, y ग्रेटर देन 2, तो y इक्वल 2 का ग्राफ बच्चों ऐसा आता है, ये 2 में जाएगा इसे। y इक्वल 2 का ग्राफ ऑलरेडी लास्ट क्लास पढ़ाया था, ग्राफ में भी पढ़ाया था y इक्वल 2, तो y इक्वल 2 का ग्राफ बच्चों ये है, ये y इक्वल 2 का ग्राफ है, ये 1 2 अच्छा, अगर ग्रेटर देन बोलते ऊपर साइड होगा, लेस देन बोलता है तो नीचे साइड होगा। ओके, तो क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन बोल रहा है तो ऊपर साइड होगा, इसको भी एरो मार देखिए, ये ऊपर साइड होगा, वाई ग्रेटर देन टू। अब देखिए अभी ओके, कौन सा एरिया होता है, इसका इसका नीचे, इसी का नीचे, वाई का ऊपर, वाई का ऊपर और x ग्रेटर देन 1, ये वाला पार्ट हो रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि इसका नीचे, अगेन इसका y का ऊपर, x ग्रेटर देन का, फिर x ग्रेटर देन का y राइट साइड, x का इधर, ये वाला पार्ट बच्चों होता है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट। इस लाइन का इस तरफ x का राइट साइड, y का ऊपर, y का 2 का ऊपर, इस लाइन का इस तरफ और x ग्रेटर देन 1, ये वाला पार्ट सेट हो रहा है बच्चों। और यहाँ इस पार्ट में, यहाँ पर पार्ट में एक पॉइंट लोगे, इस यहाँ पर एक पॉइंट लेके तीनों इक्वेशन में डालोगे ना, तीनों इक्वेशन में ट्रू आएगा। इस ट्रायंगल में एक पॉइंट लेके ये तीनों इक्वेशन में डालोगे ना, वो ट्रू होगा। ओके, अगर एक में समझ में नहीं आया, धीरे धीरे समझ होगा। इस लाइन का नीचे, इस x इक्वल 1 का राइट साइड, y का ऊपर, ओके, अगर समझ में नहीं आया धीरे धीरे समझ में आएगा। ओके, सब बना दिए बच्चे लोग, सब बना दिए? यस यस सर। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या कीजिए, पहला x माइनस टू वाई इक्वल टू 3 करके कीजिए, क्लास 10 का जैसे कर रहे थे, इक्वल टू 3 करके कीजिए, देन माइनस टू वाई उधर लीजिए, प्लस टू वाई, ओके, या टेबल बना कीजिए, क्योंकि यहाँ पर शॉर्टकट मेथड में नहीं होगा, ये थोड़ा डेसिमल में आएगा, शॉर्टकट मेथड डेसिमल में आएगा। ओके, तो ये हम लोग क्लास 10 में जैसे करते थे वैसे करेंगे इसे। देखिए यहां पर ये x है और ये y है। ओके, अच्छा, तो यहां पर क्या होता है, y का वैल्यू 0 देते हैं, y का वैल्यू 0 देने से x का 3 होता है। ओके, y का वैल्यू 1 दीजिए, y का वैल्यू 1 दीजिए, x का वैल्यू 5 होता है, y का वैल्यू -1 दीजिए, कुछ भी दे सकते हैं,
माइनस वन है, थ्री माइनस टू वन आएगा, तीन सफिशियंट है बराबर रहने के लिए। अभी एक से एक डैश है, ये वाई है, नीचे वाला वाई डैश, और ये आपका वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है, सेवन है, एट, नाइन, टेन। ओके क्वेश्चन है, ये एक्स का थ्री वाई का जीरो, एक्स का थ्री वाई का जीरो। नेक्स्ट बिट है एक्स का फाइव वाई का वन, एक्स का फाइव वाई का वन। नेक्स्ट बिट है एक्स का वन वाई का माइनस वन, एक्स का वन वाई का माइनस वन। अगर तीनों स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो कहानी में कहीं गड़बड़ है। x का वन y का माइनस वन। ओके अच्छा हो देखिए ये, और x का थ्री y का जीरो। ओके सर ग्राफ गलत है, क्लास का गलत मुझे भी लग रहा है। ये क्या हुआ, ये 2 आया क्योंकि वो 3 0 ये x का वो 1 माइनस 1 का अच्छा मतलब ठीक नहीं ये ठीक है। तो ठीक है रुकिए, x थोड़ा रुकिए, जैसे वो ठीक है, y का 0 3 है, y का 1 है, तो ये x का y का कितना माइनस 1 होने से कितना रहा, सब प्लॉटिंग गलत है। अच्छा ठीक है, प्लॉटिंग गलत है। यस सर, वो माइनस वन माइनस वन आप कर दिए हैं। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, फिर से देखिए माइनस वन लेते हैं, वाई का माइनस वन लेते हैं, वाई का माइनस लेने से थ्री माइनस टू वन होता है आगे। अच्छा यहाँ पर कुछ गलती है, एक्स का थ्री वाई का जीरो, ये गलती हो गया शायद कुछ। ओके कोई बात नहीं, करते तो होता रहता है। फिर से प्लॉटिंग करते हैं थोड़ा, एक्स का थ्री वाई का जीरो, एक्स का थ्री वाई का जीरो। नेक्स्ट एक्स का फाइव वाई का वन, एक्स का फाइव वाई का वन। नेक्स्ट x का वन y का माइनस वन, x का वन यहाँ पर होता है राइट साइड में, हम लोग गलत लेते हैं, x का वन y का माइनस वन, इसलिए गलत हुआ। अभी ये माइनस वन में लेते हैं, ये x का वन y का माइनस वन। पूरा ये आएगा नहीं तो कहाँ गड़बड़ी है। ग्राफ पेपर बहुत अच्छा है, ग्राफ पेपर में पूरा पता चलेगा। और इसका ग्राफ का नाम क्या है, x माइनस टू आई इक्वल टू थ्री। एक्स माइनस टू आई इक्वल टू थ्री चेक कर लीजिए, राइट साइड ऊपर होगा ना नीचे होगा, जीरो जीरो लेके चेक कर लीजिए, जल्दी कैलकुलेशन होगा, जीरो जीरो लेके चेक कर लीजिए। ओके जीरो जीरो जल्दी कैलकुलेशन होता है इसलिए जीरो जीरो ले रहे, जीरो माइनस जीरो ट्रू हो रहा है, अभी दस मिनट बाद चला जाएगा। ये ट्रू हो रहा है तो इधर का पॉइंट जीरो जीरो लिए तो ट्रू हो रहा है, तो इधर सेट होगा ये वाला, अभी
ऊपर सेट हो, 0-0 ले तो प्रूव हो रहा है, ठीक है। और भी ले सकते हैं, जरूर नहीं 0-0 ले सकते हैं, ये -1 0 ले सकते हैं, -1 +1 ले सकते हैं, -1 +1 ले सकते हैं, -1 लिए +1 लिए, ये ट्रू हो रहा है। -3 जो है 3 से छोटा है, ओके, ये ट्रू हो रहा है तो ऊपर सेट होगा। फिर नेक्स्ट है 3x + 4y, 3x + 4y इक्वल टू 12 करके करते हैं, तो 12 डिवाइड कीजिए, इधर भी 12 डिवाइड, इधर भी 12 डिवाइड, इधर भी 12 डिवाइड, देन ये x बाय 4 आता है, ये y बाय 3 आता है इक्वल वन। तो देखिए x का 4 y का 3, x का 4 y का 3, 1 2 3, 1 2 3, इस ग्राफ का नाम है 3x + 4y = 12, इक्वल टू है तो नहीं तो डॉटेड होगा, इक्वल टू है। ग्रेटर देन में जनरली राइट साइड प्री होता है, फिर भी एक काम कीजिए, अगर इधर में पॉइंट लीजिए, इधर में पॉइंट लीजिए, सपोज x का 7 y का 4 कुछ ले लिए, x का 7 ये 1 2 3 4 5, 7 5 एक पॉइंट लेके चेक कीजिए, अगर ट्रू हो इधर ट्रू हो, जिधर ट्रू होगा उधर सेट होगा, तो x का 7 y का 5 एक पॉइंट लेके चेक करो, किसमें इसमें चेक करूंगा, x का 7 3 7 21, y का 5 20 ये ग्रेटर देन 12 ट्रू हो रहा है, ये 41 ग्रेटर देन 12 ट्रू हो रहा है, ओके। तो x का 7 ये इधर में कोई भी पॉइंट लेके देख लीजिए, तो उधर ट्रू हो रहा है तो इधर सेट होगा, उस तरह सेट होकर, ठीक है। नेक्स्ट कुछ क्या है, x इक्वल टू 0, y का इक्वेशन है x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू y का इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 0, कैसे, x इक्वल टू 7, x इक्वल 6, x इक्वल 5, x इक्वल 4, x इक्वल 3, x इक्वल 2, x इक्वल 1, x इक्वल टू 0, सो द इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस इज x इक्वल टू 0, ये ग्रेटर देन बोल रहा है तो राइट साइड सेट होगा, ग्रेटर देन बोल रहा है तो राइट साइड सेट होगा, और क्या बोल रहा है, y इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अच्छा y इक्वल 1 का ग्राफ बनाइए, ये आपका y इक्वल टू 1, वो क्या बोल रहा है, y ग्रेटर देन 1 बोल रहा है, ये y इक्वल 1, ग्रेटर देन मीन्स ऊपर जाएगा, ओके। तो देखिए क्या सेट हो रहा है, इसका उस तरफ इस y का ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ऊपर, y का ऊपर, इस लाइन का उस तरफ, और ये x ग्रेटर देन 0, ये वाला पॉइंट बच x ग्रेटर देन 0, ये वाला x ग्रेटर देन 0, इस लाइन का इक्वल उस तरफ 3x + 4y का उस तरफ, ओके, y ग्रेटर देन 1 y का उस तरफ, y ग्रेटर देन 1, ओके, ये दिस इज योर आंसर, ठीक है, सभी का वही आया ना, अलग आया, तुम आंसर चेक कर सकते हो बच्चों, आपका पास बुक है तो आंसर चेक कर लीजिए, क्या है आंसर बोलिए, आंसर क्या है बोलिए, यही है, अच्छा ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि 4x + 3y लेस देन इक्वल 60 है, देखिए यहां पर क्या कीजिए, 4x प्लस 3y इक्वल टू, पहला हर कुछ पहला इक्वल टू करके होगा, उसके बाद आगे इक्वल करके लाइन बना जाएगा, इधर 60 डिवाइड कीजिए, ये बनेगा कितना, x बाय कितना 15, ये y बाय 20, और ये इक्वल कितना 60,
वन आएगा। ओके अच्छा, तो पहले इसका लाइन बना देते हैं, और एक भी ग्राफ है वाई कॉट टू एक्स, ये क्या है? ये बनेगा नहीं, थोड़ा उसको टेबल बना के बनाना पड़ेगा, इसको अच्छे शॉर्टकट मेथड में नहीं होगा, ये ओरिजिन देखे जाएगा वाई इक्वल एम एक्स, मैं बोला था वाई इक्वल एम एक्स, ओरिजिन देखे जाएगा। यहाँ 15 20 एक काम कीजिए, यहाँ पर जो यूनिट है ना 5 5 ले लीजिए, यहाँ जो यूनिट लेंगे आप 5 ले लीजिए। ओके ये एक्स है, ये क्या है, इधर से ये वाई है, पहला क्या है ये ऊपर। ओके आप क्या कीजिए, 15 20 है, यहां पर भी ऐसा है 5 ले लीजिए। ओके यहां पर भी यूनिट भी 5 5 ले लीजिए, आपको ये जरूर नहीं हमेशा 1 2 जाएगा, ये 5 10 15 20 25 30। ओके ये -5 -10 -15 और ये आपका 5 10 15 20 25। ओके एक बात बस बच्चों, कभी कभी ऐसा भी रहता है ये जो ग्राफ है ना इसका ये 100 भी रहता है, 100 200 300 400। ओके कभी कभी 1000 भी रहता है, 1000 2000 3000 और ऊपर भी सभी, ये जरूर नहीं हमेशा 1 2 आएगा, ये पूरा चेंज होता रहता है, ये -5 ऐसे -5 -2 ऐसे। फिलहाल क्या कोई ग्राफ था, अच्छा मैं बोल रहा था ये हमेशा चेंज भी रहेगा, 1000 2000 3000 अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, कभी कभी 100 200 ऐसे रहेगा, 5 10 15 ऐसे रहेगा, 1 2 3 ऐसे रहेगा, हमेशा ये चेंज रहता है। तो यहाँ पर x का 15, x का 15, y का 20, ये आपका ग्राफ बन गया। और यहां पर लिख दीजिए क्या था ग्राफ का इक्वेशन, 4x प्लस 3y इक्वल टू कितना, 60 है, इसका इक्वेशन लिख दीजिए। अच्छा लेस देन बोल रहा है, लेस देन मीन्स जनरली लेफ्ट साइड होता है, फिर भी एक काम कीजिए सब पॉइंट लेके डाल के देखिए, सब पॉइंट लेके डेल के डाल के देखिए, सपोज हम लेते हैं 0.00, जल्दी कैलकुलेशन होगा, 0 0 डाल के देखिए ये ट्रू हो रहा है, ये जरूर नहीं 0 0 लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं, 0 5 ले सकते हैं, -10 प्लस 5 ले सकते हैं, -10 प्लस 5 -10 4 × -10 -10 ये ट्रू हो रहा है बच्चों के, तो इधर का हर पॉइंट डाल के देखिए, हर पॉइंट डाल के उस इक्वेशन उठा के ट्रू हो रहा है, तो ये इधर सेट होगा, लेफ्ट साइड सेट होगा। ओके अच्छा नेक्स्ट देखिए वाई इक्वल टू एक्स, ओके इसका टेबल देखिए थोड़ा, ओके वाई इक्वल टू एक्स, ओके ये एक्स है वाई, ओके अच्छा क्योंकि हम यहां पर
अच्छा, क्योंकि यहां पर 5 10 15 अब लिए हैं, तो यहां पर भी आप वही लीजिए, x का 5 डालें तो y का कितना 10, y का 10, x का 0 डालें तो y का 0, x का 10 डालें तो y का 20, ओके माइनस 5 डालें माइनस 10, ओके ठीक है, क्योंकि ये 5 10 का ग्राफ है, तो यहां पर भी 5 10 डालिए, x का 0 डालें तो y का भी 0 आया, x का 5 डाले तो y का 10 आया, x का 10 डाले तो y का 20 आया, x का माइनस 5 तो y का माइनस 10 आया, माइनस 10, ये माइनस 5 माइनस 10 इधर आया, ये y इक्वल mx के ग्राफ में बोला था बच्चों, बच्चों लास्ट क्लास में ग्राफ में बोला था y इक्वल mx, तो ये फिलहाल ये जो ग्राफ है y इक्वल आपका 2x ग्राफ ऐसा आएगा, ठीक है। अच्छा ये किधर सेट होगा, देखिए इधर का पॉइंट ले ले, इधर का पॉइंट ले ले, ओके सही लेफ्ट साइड में होगा, ओके देखते हैं, ये y greater than equal to 2x है, ये पॉइंट डाल के देखिए, सपोज ये लाइन है ना, ये लाइन का इस तरफ एक पॉइंट ले लीजिए, कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, x का 25 y का 50 ले लीजिए, अगर ये ट्रू होता है तो इधर सेट होगा, जिधर ट्रू होगा उधर सेट होगा, क्या यहाँ पर ये लाइन है, ये लाइन का इस तरफ एक पॉइंट लेके देखिए, इस तरफ एक पॉइंट लेके देखिए, जिधर ट्रू होगा उधर सेट होगा, ओके मैं इधर एक पॉइंट लिया x का 25 y का 15 लिया, x का 25 y का 15, देखिए क्या है x का 25 y का 15, 25 इंटू 250, ये फॉल्स हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, इधर का एक पॉइंट लेके देखा तो फॉल्स हो रहा है, तो बच्चों में इधर का एक तो पॉइंट लेके देखा फॉल्स हो रहा है, इधर का एक तो देख लेके देखिए, इधर का एक पॉइंट लीजिए एक्स का माइनस 15, इस लाइन का दो पार्ट होता है, इस तरह का एक होता है उस तरह एक रहता है, इधर का कहीं भी एक पॉइंट लेके दे एक्स का माइनस 15 वाई का 20, एक्स का माइनस 15 वाई का 20, एक पॉइंट लेके इस लाइन का इस तरह एक पॉइंट लेके देखिए एक्स का माइनस 15 वाई का 20, x का माइनस 15, 2 इंटू माइनस 15 माइनस 30, y का 20, ट्रू हो रहा है, तो इधर का हर पॉइंट ट्रू हो रहा है, इधर का हर पॉइंट फॉल्स हो रहा है, तो जिधर ट्रू होगा उधर सेट होगा, तो ये बच्चे इधर सेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या ग्राफ देखिए, x ग्रेटर देन 3, ओके x ग्रेटर देन 3 का ग्राफ ऐसे बच्चा आएगा, यहाँ पर 1 2 3 इधर आएगा, x इक्वल 3 का ग्राफ ऐसा आएगा बच्चा, x इक्वल 3 का ग्राफ ये 3 में है, यहाँ पर x इक्वल 3 का ग्राफ, ये x इक्वल 3 का ग्राफ 3 में बच्चा जाएगा, ओके इसका सेट बच्चा इधर आएगा, ठीक है इसका सेट बच्चे इधर आएगा, ठीक है x ग्रेटर देन 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है उसका क्या दिया, नेक्स्ट x ग्रेटर देन 3 तो राइट साइड से 3 का राइट साइड, और क्या xy ग्रेटर देन 0। अच्छा मैं बोल रहा था ये x x का इक्वेशन y इक्वल टू 0 होता है, ये y इक्वल 3 y इक्वल 2 y इक्वल 1 y इक्वल 0 y इक्वल माइनस 1 y इक्वल माइनस 2 y इक्वल माइनस 3, y ग्रेटर देन 0 बोल रहा है तो ये ऊपर सेट होगा। अच्छा y का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 0 ये भी ग्रेटर देन बोल रहा है, राइट साइड से होगा। तो अब देखो क्या क्या हुआ, इस लाइन का इस तरफ
और ये x ग्रेटर देन 3 और ये लाइन का नीचे, तो फिर हम लोग का सब सेटिंग गलत हो गया। इस लाइन का नीचे ये वाला, ये ट्रायंगल शायद आएगा, इस लाइन का नीचे ये वाला रेड, ये वाला रीजन जो है वो सभी को सेटिस्फाई करेगा, ये वाला रीजन। इस लाइन का उस तरफ, इस लाइन का नीचे एक्स ग्रेटर देन 3 और ये सब, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल इसका आंसर आएगा बच्चों। उस लाइन का उस तरफ, इस लाइन का नीचे एक्स ग्रेटर देन 3, ओके, ये वाला ट्रायंगल इसका आंसर है। एक्स का ग्रेटर देन 3, उस लाइन का उस तरफ, ये लाइन का नीचे, ओके, ये वाला रीजन है, ओके, ठीक है, वही वाला आपका आंसर है। ओके, आप चेक कर लीजिए। और यहाँ पर ये लिखेंगे, स्केल लिखेंगे, ओके, स्केल बच्चों, ये वांछनीय होता है, ये वांछनीय होता है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, देखिए एक्स एक्सिस क्या होगा, 1 cm 5 यूनिट है। ये जो ड्रा पेपर देखते हो बच्चे, 1 cm होता है, 1 cm 5 यूनिट, अगर वाई एक्सिस देखिए, ये वाला वाई एक्सिस, उसमें भी सेम लिया हम, वाई एक्सिस में भी सेम लिया, 1 cm होता है, ये 1 cm 5 मिनट्स, ठीक है, 1 cm 5 मिनट, ये भी 1 cm 5 मिनट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर स्कूल का एग्जाम में वाला क्वेश्चन आता है, और ये वीक स्टूडेंट के लिए वरदान है, 6 मार्क का क्वेश्चन आता है। एक तो सेट थ्योरी, एक तो मैं इस संडे डिस्कस करूंगा एनुअल पेपर, नहीं तो एक तो अपील का पेपर डिस्कशन करूंगा, सब्जेक्टिव करवाएंगे, ये ट्राई कीजिए आप, नहीं तो मैं बनाऊंगा। इसका एक एक यूनिट 10 ले लीजिए, क्योंकि 150 तो नहीं, बहुत बड़ा होगा, इसलिए 10 है तो 20 ले सकते हैं आप, 20-40 ऐसे ले सकते हैं, तो 10 ले लीजिए, 10 लेने से शायद ठीक हो जाएगा, 80 150, एक एक यूनिट 10 लीजिए, 5 लिए थे प्रीवियस का, ये 10 लीजिए, एक तो बनाइए आप। करेंगे नहीं तो नेक्स्ट क्लास डिस्कशन होगा। देखिए ये 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल 150 है, शॉर्टकट में हो जाएगा ये 3x प्लस 2y इक्वल टू, पहले कीजिए इधर 150 डिवाइड, इधर भी 150 डिवाइड, ये भी 150 डिवाइड, x बाय आपका 50 आ रहा है, ये y बाय 75 आ रहा है, तो एक काम कीजिए, एक एक 10 लीजिए, तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ओके, यहाँ पर भी सेम थिंग, वाई का ये 10, 20, 30, 40, 50, ओके, तो पहला जो ग्राफ है एक्स का 50, वाई का 75, एक्स का 50, वाई का 75, ये 60, सेवेंटी, एटी,
x का 50 y का 75, x का 50 y का 75, अब क्या बोल रहा है इस ग्राफ का? लेदर में जनरली लेफ्ट साइड ही होता है, काम कीजिए जीरो जीरो देख देख लीजिए, जीरो जीरो लेके देख लीजिए, जीरो लेदर 150 सही हो रहा है। और भी पॉइंट लेके देख सकते हैं, ओके और भी पॉइंट लेके देख सकते हैं, आपको ये एक्स का -10 वाई का +10 लेके देख सकते हैं, ट्रू हो रहा है। तो ये इस तरफ सेट होगा बच्चों, जीरो जीरो इसलिए लिए कि जल्दी इसका कैलकुलेशन होगा, इसलिए लिए। और भी पॉइंट यहाँ का हर पॉइंट लेके देखिए ट्रू हो रहा है। नेक्स्ट x प्लस 4y इक्वल 80, x प्लस 4y इक्वल टू 80, 80 डिवाइड कर दीजिए, ये x बाय 80, ये y बाय 20 इक्वल टू 1, ये x बाय 80 y बाय 20 इक्वल टू 1, x का 80 y का 20, ओके इसे ग्राफ लिख दीजिए, ये लिख दीजिए x प्लस 4y इक्वल टू 80, ओके। और ये वाला क्या था बच्चों, 3x प्लस 2y इक्वल टू 150, 3x प्लस 2y इक्वल टू 150। अच्छा ये भी बच्चों लेस देन है, ये नीचे आएगा, फिर भी एक काम कीजिए जीरो जीरो लेके डालिए या टेन टेन डालिए या x का -10 y का -10 के डालिए, जीरो जीरो डाल के डालिए जल्दी होगा, जीरो लेस देन 80 तो ये भी सही है, ये इस तरफ आएगा, नीचे लेस देन में नीचे x लेस देन 15, 10 और 5 के बीच में लीजिए, लेस देन 15 मीन्स ये नीचे ये होगा, लेस देन 15 मीन्स लेफ्ट साइड होगा, लेस देन 15। अच्छा मैं बोला था y का इक्वेशन जो x इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0 बोल रहा है, तो ये इधर राइट साइड जाएगा, x ग्रेटर देन 0 बोल रहा है, राइट साइड जाएगा, x ग्रेटर देन 0 बोल रहा है, ओके। फिर y ग्रेटर देन 0, ये तुम्हारा y का इक्वेशन x है इक्वल 0, अगर x x का इक्वेशन पता है आप लोग को, x x का इक्वेशन जो है, x x का इक्वेशन है y इक्वल टू 0, x x का इक्वेशन जो है y इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन 0 बोल रहा है, तो ग्रेटर देन से ऊपर जाएगा, ये तो ये इस लाइन का नीचे लेस देन 15, एक y ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, ये वाला सेटिंग, x ग्रेटर देन 0 इस लाइन का नीचे, ये भी लाइन का नीचे, ये भी लाइन का नीचे, इस लाइन का भी नीचे, 15 का नीचे, x इज लेस देन 15 और ये x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, ये वाला पोर्शन आप आंसर चेक कर लीजिए बच्चों, ठीक है बच्चों। आपका होमवर्क रहा लास्ट क्वेश्चन, ये तो कल करेंगे, उसको डिस्कशन करेंगे, कल सुबह 8 बजे क्लास है, कल इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जाएंगे, ओके ठीक है। इनइक्वालिटी का एडिशन वाला नहीं किए, टाइम नहीं होगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जाएंगे, बहुत कोर्स बहुत पीछे है हम लोग का,